है? कौन हो तुम लोग? तू हट जा सामने से, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कौन हो कौन तुम लोग? तू कौन है बे? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो तू है इसका भाई, तो संभाल अपने भाई को। आज के बाद मेरी बहन रीटा के आसपास नजर आया ना तो फिर भूल जाना अपने भाई को। समझाई से कि छावा बनना छोड़ दे और अपने काम धंधे पे ध्यान दे, वरना। वो तुम्हारी भी बहन है ना, उसे तुम क्यों नहीं समझाते? क्यों मिलने आती है उससे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। चुप बैठ तू, चुप बैठ। लगता है ये ऐसे नहीं समझेगा। अब तो एक ही रास्ता है, चल। अरे वो रास्ता कहाँ तक जाता है वो मुझे भी पता है। हमने कोई चूड़िया पहन के नहीं रखी, समझा ना? चल तू अंदर, चल। राजन चल कैरम खेलते। अरे नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खेलो। क्या फैसला किया तूने? किस बारे में? उस रीटा के बारे में। आज के बाद तो उसे नहीं मिलेगा। भैया मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं उसे नहीं भूल सकता। तो खुद भी मरेगा और हम दोनों को भी मरवाएगा। मैं पूछता हूं, तू हमें यहां चैन से रहने देना चाहता है या नहीं? तंग आ चुका हूं मैं तुझे समझा समझा कर। एक तो सालों से काम नहीं है, फैक्ट्री बंद है, वहां गांव में बहन की शादी की चिंता है। अब इतनी मुसीबतें कम है कि तू और मुसीबत अपने गले ले रहा है। रीटा की वजह से जो भी मुसीबत आएगी मैं झेल लूंगा, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अच्छा, और अगर रीटा का भाई तुझे मारेगा तब मैं घर में चूड़ी पहन के बैठा रहूंगा क्या? राजन ऐसा क्या है रीटा में जो तुम उसे भूल नहीं सकते? वो मुझसे प्यार करती है भाभी। इसके सर पे प्यार का भूत सवार हो गया है सुनंदा। अब एक ही तरीका है कि ये गांव चला जाए। गांव? हाँ, अब तेरा यहां रहना खतरों से भरा हुआ है। आज ही टिकट निकलवाता हूं तो नागपुर जाएगा। मैं अगर नागपुर जाऊंगा भी तो अकेले नहीं जाऊंगा भैया। पागल हो गया तो पागल हो गया। ये क्या पागलपन है राजन? तुम्हारे भैया ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हें कुछ दिनों के लिए गांव चले ही जाना चाहिए। कौन कहां जा रहा भाभी? तुम इसके दोस्त हो ना, समझाओ इसे। रीटा का भाई इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है और यह है कि गांव जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। मैंने इसे पहले भी समझाया था भाभी कि आग का दरिया मत कूद, मगर ये कूद गया। कोई बात नहीं, ये गांव जरूर जाएगा, मैं इसे समझाता हूं, तो चल मेरे साथ। देख मोहन, तू अच्छी तरह जानता है मैं रीटा को कितना चाहता हूं। मैं उसे यहां छोड़कर गांव नहीं जा सकता। तो मैं अगर गांव जाऊंगा तो रीटा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और उसके बाद रीटा का भाई संजीव वो यहां चैन से बैठेगा तो मैं क्या करूं मोहन? तू जो चाहता है वही होगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा तुझे वैसा ही करना होगा। ओके ओके, मुझे रीटा से मिलना है। आई विल सी यू लेटर। बड़ी मुश्किल से आई हूं राज, जल्दी बोलो मुझे यहां क्यों बुलाया था। रीटा, मेरा भाई मुझे गांव भेज देना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बोलो मेरा साथ दोगी या नहीं? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ राज, अब मैं उन बंदिश में नहीं जी सकती। मुझे यहाँ से ले चलो राज, मेरे घर वाले तुम्हारे नाम से मुझे ताने देते हैं। घबराओ मत रीटा, हम दोनों यहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ कोई बंदिश नहीं होगा। ठीक है राज, अब मैं जाती हूँ वरना कोई आ जाएगा। बाय राज। विक्रम? हाँ, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट अच्छी नहीं लगती। मुझ पर तुम बड़ी नजर रख रहे हो। रखना ही पड़ता है। चलो तुम्हें घर तक छोड़ दूं, वरना तुम्हारे भाई को शक हो जाएगा।
तरह हैरान होकर क्या देख रहा है तू? टिकट है, ट्रेन की टिकट है 12 तारीख की, यानी कल की। कल की ट्रेन से तू नागपुर जा रहा है। लेकिन लेकिन भैया, लेकिन क्या है? लेकिन क्या, अब यहां से ज्यादा तेरी वहां गांव में जरूरत है। गांव में हमारी बहन है कल्याणी, वो तो याद है ना तुझे? बहन की शादी की तैयारियां तुझे करनी है, 6 महीने तू वहीं रहेगा, तब तक उसकी शादी हम निपटा लेंगे। और शादी का सामान भी सारा तुझे ही लेके जाना है, तू ही ले जाना अपने साथ। मौसी जी ने खत में लिखा है कि शादी पक्की समझो। अब मौसी अकेली क्या करेगी, तू भी सब कुछ देख समझ लेना, बाद में मैं आ जाऊंगा। मैं बहुत पहले से जानता हूं कि राजन रीटा को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। कौन सी ट्रेन से जा रहा है वो? नागपुर एक्सप्रेस का टिकट लाके दिया मनोहर भैया ने। ये राजन बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसे ये नहीं मालूम कि बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। रीटा सिर्फ मेरी है, मेरी। मैं देखता हूं राजन उसे अपने साथ कैसे ले जाता है। कब जा रहे हैं वो लोग? आज ही। राजन अपना ख्याल रखना और सामान का भी ख्याल रखना, इसमें सब शादी का सामान है। अरे अरे अरे, संभल के जाना है। सूचना, अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली नागपुर एक्सप्रेस के मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण हुई भीषण दुर्घटना में अनेक लोगों के मरने की संभावना है। राहत कार्य जारी है, घायलों और मरने वालों के लिए मुआवजे की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। इस दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9821221016। सर, चेहरा इस कदर खराब कर दिया गया है कि पहचानना मुश्किल है। हमारे पास और कोई भी आइडेंटिटी मार्क नहीं है। इसके कपड़े भी रेडीमेड और बिल्कुल नए हैं। कभी कभी लाशें भी बोलती हैं श्रीवास्तव, और ये लाश भी अपनी कहानी बयां करने की कोशिश कर रही है।
इसका हुलिया ये बताता है कि ये किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो शर्ट इसने टक इन की हुई है, जिस हिसाब से ये तैयार हुआ है, ये किसी को मिलने जा रहा था। ये फूल ये बताता है कि ये अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहा था। और ये कीचड़ वाले जूते ये बताते हैं कि ये कहीं दूर से कहीं भाग के आ रहा है, क्योंकि आसपास कहीं कीचड़ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब तक लाश की शिनाख्त नहीं हो जाती है, कातिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सर। हमारे पास और कोई सुराग भी तो नहीं है सर। सुराग भी मिल जाएगा श्रीवास्तव। मुजरिम और पुलिस के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत पुराना है। मुजरिम हमेशा पुलिस से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता, लेकिन कोई एक गलती ऐसी कर जाता है कि पुलिस के शिकंजे में आके फंस जाता है। यू आर राइट सर। इसकी कद काठी के हिसाब से आसपास के पुलिस थानों में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग श्रीवास्तव। सर ये बासंती चौहान है। नमस्कार। इनका बेटा मोहन पिछले 3 दिनों से गायब है सर। उसकी कदकाठी मकतूल से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। क्या नाम बताया आपने अपना? जी बासंती। लाश? नहीं नहीं, इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। उस लाश की शनाख्त नहीं हुई अब तक। फिलहाल उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कुछ तस्वीरें हैं उस लाश की, देखिए इनमें सुनिए आपका बेटा। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। जरा ध्यान से देखिए। मैंने देखा साहब, मेरे बेटे के इधर कटे का निशान है, इसमें वो नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता साहब। ठीक है, आप जाइए अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। श्रीवास्तव। यस सर। ओके। नमस्कार। सर अब क्या किया जाए, ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। श्रीवास्तव, मुजरिमों का काम है पुलिस के रास्ते ब्लॉक करना। जी। और पुलिस का काम है मुजरिमों तक पहुंचने के नए नए रास्ते ढूंढना। राइट सर। इसका चेहरा खराब करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। मारने वाले को मकतूल का चेहरा पसंद नहीं होगा, उसे बहुत नफरत रही होगी। और दूसरा, मारने वाला ये नहीं चाहता था कि इसकी शनाख्त हो।
क्या तारीख है इस अखबार की? 13 अगस्त 1999, यानी ये अखबार कल ही का है। मैंने कहा था ना श्रीवास्तव, बड़े से बड़ा धुरंधर मुजरिम भी कोई ना कोई भूल जरूर कर जाता है, और इस मुजरिम की भूल है ये क्रॉसवर्ड। लेकिन सर, इस क्रॉसवर्ड में एड्रेस नहीं है। श्रीवास्तव, ये क्रॉसवर्ड देख के ऐसा जान पड़ता है जैसे इस आदमी को क्रॉसवर्ड भरने का बहुत शौक था, और यकीनन ये आदमी क्रॉसवर्ड भर के अखबार में भेजता होगा। इसकी हैंडराइटिंग देख के ये पता लगाया जा सकता है अखबार के ऑफिस से कि इसका एड्रेस क्या है। क्या नाम है इस अखबार का? सांध्य खबर। बहुत नाम सुना है मैंने आपका। अपने अखबार में आपके सॉल्व किए केसेस भी छापे हैं मैंने। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं? मिस्टर महेश्वरी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो मेरी इतनी सारी तारीफ की। मैं इस तारीफ के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन आज इस काम से मैं आपके पास आया हूं, थोड़ी सी मदद चाहिए। ये क्रॉसवर्ड जिसने लिखा है, हो सकता है कि आपको रेगुलर क्रॉसवर्ड्स लिखता होगा। अब मुझे इस हैंडराइटिंग वाले आदमी का एड्रेस चाहिए। वेल, एड्रेस ढूंढना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं पुरानी फाइलें मंगवाता हूँ। एक काम करते हैं मिस्टर महेश्वरी, आप पिछले एक महीने की विनर्स की फाइल मंगाइए, अगर उसमें नहीं मिली तो फिर हम और तलाश करेंगे। हाँ जी। हाँ शर्मा, सुनो, पिछले एक महीने की क्रॉसवर्ड्स की विनर्स की फाइलें, हाँ, मेरे कैबिन में भेज दो इमीडिएटली, अभी आ जाएगी। महेश्वरी, आप ठीक ही कह रहे थे, काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मिल जाएगा। लेट्स ट्राई। एड्रेस है मोहन चौहान, 32 बैप्टिस्टा लेन, कोलाबा विलेज, कोलाबा। मेरे मोहन का कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? मैं उसी सिलसिले में यहां पर आया हूं माँ जी। बात दरअसल यह है कि पुलिस स्टेशन में वो तस्वीरें देखने के बाद आपने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन वहां जो भी सुराग मिले मुझे इसी घर की तरफ इशारा करते हैं कि हो ना हो उस लाश का इस घर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मैं कुछ समझी नहीं इंस्पेक्टर साहब। मोहन को क्रॉसवर्ड भरने का शौक था जी। ये देखिए, ये लाश के पास से ये अखबार मिला, इस पे ये क्रॉसवर्ड भरा हुआ, ये देखिए जरा जी। ये क्रॉसवर्ड भरने का शौक मोहन को नहीं,
राजन को था, पर वो पता हमेशा हमारा देता था। कहता था ये मेरे लिए बड़ा लकी है। ये राजन कौन है? वो जी मोहन का दोस्त है, वो मनोहर का भाई। मनोहर का भाई? इस तरह उदास और हताश होने से क्या हो सकता है? होनी को यही मंजूर था। खुद को संभालो मनोहर, ऊपर वाला यही मंजूर था। आपका नाम मनोहर है जी? आप इंस्पेक्टर भारत? मैं आपके भाई राजन के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूं। अब कैसे पूछताछ? बचाई क्या है अब? अब तक तो वो पंच महाभूत में विलीन हो चुका होगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं आज ही उसकी लाश का क्रियाकर्म करके आया हूं। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसकी मौत कैसे हुई। इंस्पेक्टर साहब, 12 तारीख की ट्रेन से वो गांव जा रहा था। उस मनहूस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मरने वाले 64 लोगों में मेरा भाई भी चला गया। ये देखिए, ये सारा सामान साथ लेकर जा रहा था अपनी बहन की शादी के लिए। आज सुबह मैं उसकी लाश और ये इस सामान लेकर आया। मनोज साहब, आई एम सॉरी बट इस हैंडराइटिंग को पहचानते हैं आप? ये हैंडराइटिंग तो बिल्कुल राजन की जैसी ही है। आपको पूरा विश्वास है जो रेलवे एक्सीडेंट में जो लाश मिली वो आपके भाई की ही है, राजन की ही है? हाँ, मतलब उसका चेहरा पिचक गया था। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि हमें भी एक लाश मिली है और ये पेपर हमें उसी लाश के पास मिला और हमें शक है कि वो आपके भाई की लाश है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक आदमी दो जगह कैसे मर सकता है? तो आपके अनुसार राजन यहां से 12 तारीख को नागपुर जाने के लिए रवाना हो गया था? जी हाँ। तो फिर ये 13 तारीख के अखबार में आपके भाई की हैंडराइटिंग कहां से आई? ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर मनोहर, 13 तारीख के इस अखबार में राजन की हैंडराइटिंग का होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 13 तारीख को राजन बॉम्बे में था और ट्रेन में सफर करने वाला राजन नहीं, कोई और था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? टिकट भी मैंने लाकर दी थी, वो हमारे सामने ही टैक्सी में बैठा था। ये सारा सामान भी तो उसी के पास था। मेरे ख्याल से मनोज जी, आपको मेरे साथ चलकर एक बार लाश की शनाख्त कर लेनी चाहिए। हो सकता है आप
पहचान लें। चलिए। नहीं साहब, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। इसका चेहरा तो प्लीज इसे ढक दीजिए, प्लीज। मिस्टर मनोहर, जरा इसे गौर से देखिए ना। मैं मानता हूँ कि इसका चेहरा खराब हो गया, लेकिन शरीर पे फिर से एक बार देखिए, कोई ऐसी निशानी बताइए जिसे हम शनाख्त कर सकें। उसे निशानी क्या बताऊं? हाँ, राजन के टीके की निशानी थी। नहीं साहब, नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है साहब, ये राजन नहीं है। आपके भाई के कोई दुश्मन थे? मेरा मतलब है किसी से कोई खास दुश्मनी जो आपको पता हो। दुश्मनी? हाँ, संजीव और उसका दोस्त विक्रम, वो मेरे भाई की जान के पीछे पड़े थे, उसे मारने घर पर भी आए थे। विक्रम, संजीव? संजीव रीटा का भाई है और विक्रम उसका दोस्त है, आवारा है दोनों। रीटा? रीटा से प्यार करता था राजन, उससे शादी करना चाहता था, और यही बात संजीव को पसंद नहीं थी। रीटा की वजह से तो वो गांव जाने को भी तैयार नहीं था, मैंने ही उसे भेजा गांव। संजीव का एड्रेस बता सकते हैं आप? जी हाँ, मैंने उसे धमकी जरूर दी थी साहब, लेकिन हम लोगों ने उसे मारा नहीं। मैं उसे क्यों मारता साहब, जब वो खुद ही अपने गांव जा रहा था। वो गांव जा रहा था, इस बात की खबर तुम्हें कहां से मिली? 12 तारीख को ही मोहन ने विक्रम को बताया था। मोहन ने? खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सिस्टर के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। आप उससे क्या बात करेंगे? कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ वही बता सकती है। ठीक है, आप राजन से आखिरी बार कब मिली थी? 13 की शाम को, और 12 को भी मैं उससे मिलने वाली थी, लेकिन मैं नहीं जा सकी। शायद संजीव को राजन के गांव जाने के बारे में पता चल गया था, और राजन मुझे अपने साथ ले जाने वाला था। फिर 13 को मुझे राजन का पत्र मिला था, और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। यानी 12 तारीख को वो गांव नहीं गया था। वो खत आपको किसने लाकर दिया? पड़ोस के एक बच्चे ने लाकर दिया था, और मैं उससे मिली। रीटा, अब हम नागपुर नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई हमें वहां भी ढूंढने की कोशिश करेगा। अब नागपुर के बजाय हम जोधपुर जाएंगे, वहीं कोर्ट मैरिज करेंगे। तुम्हारा भाई समझता है कि मैं नागपुर जा चुका हूं, इसलिए तुम्हें घर से निकलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो रीटा, किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहां मुंबई में हूं। लेकिन तुम्हारा सामान कहां है? मेरे कपड़ों के अलावा जो भी सामान मेरे भाई ने दिया था वो मैंने किसी के साथ भिजवा दिया। हम वहां कितने दिन रहेंगे? जितना भी दिन रहना पड़े रह लेंगे। बैंक में थोड़े से रुपए हैं, मैंने लाने को भेज दिया। हम सुबह 5 बजे चले जाएंगे, मुझे स्टेशन पर मिलना। ओके? ओके। उस दिन रात भर मैंने उसके सिग्नल का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। क्योंकि तब तक वो शायद मारा जा चुका था। क्या? वैसे लाश की अब तक शनाख्त नहीं हो पाई। आपको प्लीज मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, अगर राजन का कत्ल हुआ है, अगर, तो राजन का कत्ल कौन कर सकता है? पिछले साल क्रॉसवर्ड के लेनदेन में राजन ने मोहन को बहुत मारा था, मोहन की बड़ी बेइज्जती की थी, लेकिन अब तो वो दोनों दोस्त थे। कोई और ऐसा है जिस पे आपको शक हो? आपको बहुत पहले से विक्रम की मुझ पर नजर थी, शायद इसलिए वो राजन से चिढ़ता था और बराबर मुझ पर नजर रखता था। जाने के एक दिन पहले उसने राजन से मुझे मिलते हुए देख लिया था, और रास्ते में उसने मुझसे ऐसी बातें की कि उसे मेरा राजन से मिलने पर कोई एतराज ही नहीं था।
वैसे आपको इस बात का इल्म है कि राजन ने बैंक में पैसे लेने किसे भेजा था? जी नहीं। वैसे बाय द वे राजन का किस बैंक में अकाउंट था? कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ इंस्पेक्टर, राजन सिंधे का अकाउंट हमारे ही बैंक में है। और 13 की शाम को उसका चेक लेकर यहाँ पर कोई पैसे निकालने आया था, वो आदमी कौन था, उसका हुलिया क्या था, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं आप? इंस्पेक्टर ये सारी जानकारी तो आपको कैशियर ही बता सकता है, मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। मुझे तुम फौरन रिपोर्ट दोगे श्रीवास्तव, मैं समझ चुका हूँ कि कातिल कौन है। हथियार में मिले फिंगरप्रिंट से ये साबित हो जाएगा कि कत्ल किसने किया श्रीवास्तव। ओके सर। आप बिल्कुल चिंता ना करें मिस्टर मनोहर, आपके भाई का कातिल बहुत जल्द हमारी हिरासत में होगा। हमने हथियार बरामद कर लिए है। वो संजीव का जो फ्रेंड है उसका क्या नाम बताया था आपने? विक्रम। हाँ विक्रम, ये विक्रम कहाँ मिलेगा, उसके फिंगरप्रिंट चाहिए हमें। वो तो आवारा लड़का है, पता नहीं कहाँ होगा। शिंदे, यू आर अंडर अरेस्ट। मिस्टर मनोहर, तुमने हमसे झूठ बोला था कि उस रेलवे एक्सीडेंट में तुम्हारे भाई की लाश पिचक गई थी। दरअसल वो लाश पिचकी नहीं थी, वो बिल्कुल सही सलामत थी, और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर जो हमने रेलवे पुलिस से हासिल की। और जिस लाश की तुमने शनाख्त की वो तुम्हारा भाई राजन नहीं, उसका दोस्त मोहन था। क्या? मोहन मेरा बेटा। हवलदार। यस सर। मां जी को बाहर ले जाओ। उस दिन राजन और रीटा की मदद करने के लिए राजन की जगह मोहन उस गाड़ी में सफर कर रहा था, और वो राजन का तमाम सामान भी लेकर जा रहा था ताकि रीटा और राजन कहीं और जा सकें। उन्हीं का खेल देखिए, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और मोहन मारा गया। जी हां इंस्पेक्टर, जब मैं लाश लेने गया तब मुझे पता चला कि वो मेरा भाई राजन नहीं था कि उसका दोस्त मोहन था, लेकिन मैंने दुनिया की नजरों में उसे राजन ही रहने दिया। और उसी दिन मुझे राजन का फोन आया। हेलो 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 भैया, मैं राजन। राजन? राजन तू ट्रेन एक्सीडेंट में मेरी जगह मोहन मारा गया है।
लेकिन तू है कहाँ? भैया मैं छुपा हुआ हूँ। मैं घर नहीं आना चाहता क्योंकि संजीव या विक्रम को मालूम हो सकता है। हाँ ठीक है, तू यहाँ मत आना और सुन, किसी को मिलना भी मत, मैं तुझे आकर मिलता हूँ। भैया मेरा चेकबुक घर पर रह गया है, प्लीज वो लेते आना, मैं आपका इंतजार करता हूँ। हाँ ठीक है, चेकबुक लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी बात सुन राजन, तू कुछ दिनों के लिए छुप जा। मैं तो कहता हूँ बंबई से कहीं बाहर चला जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू जिंदा है। क्या मतलब? इससे क्या होगा भैया? सब समझते हैं कि तू ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है, अब तेरी मौत की एवज में हमें 5,00,000 रुपए मिलेंगे, समझा? नहीं भैया, उन पैसों पर मोहन की माँ का ही हक है। मोहन मेरे दोस्ती के लिए मारा गया है, मैं उसके साथ ये गद्दारी नहीं कर सकता भैया। गद्दारी? अरे इसमें गद्दारी क्या है, है? मैं तो कहता हूँ किस्मत हमारा साथ दे रही है, तूने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं है। चल अगर तेरी इच्छा है तो मोहन की माँ को भी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। थोड़े बहुत पैसे? भैया मोहन थोड़ा नहीं पूरा मारा गया, वो भी सिर्फ मेरे दोस्ती के लिए। वो पैसे मोहन की माँ को ही मिलेंगे। मुझे यहाँ से रीटा को ले जाना है, इसलिए छुपा हुआ हूँ, वरना आज ही सबको बता देता कि मरने वाला मैं नहीं मोहन है। देखो भैया, उन पैसों पर मोहन की माँ का हक है और वो पैसे मोहन की माँ को ही मिलेंगे। चेकबुक लाए आप? हैं? चेकबुक लाए आप? बैंक में जब मुझे तुम्हारा हुलिया बताया गया तभी मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने श्रीवास्तव को रेलवे एक्सीडेंट में हुए तमाम लोगों की तस्वीरें लेने भेजा। फिर मैंने तुम्हारे सामने हथियार मिलने और फिंगरप्रिंट्स लेने का नाटक खेला ताकि तब जब तुम हथियार लेने जाओ मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूं। मिस्टर मनोहर शिंदे, अपने इकलौते छोटे भाई को मारते हुए तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? कांपा? इंस्पेक्टर साहब, मेरे हाथ काम गए थे लेकिन मेरे मन में लालच था और मेरे भाई ने मुझे मजबूर कर दिया। राजन। हा? अरे मैं हूं भाई, मैं हूं। भैया पैसे लाया हूं? हाँ लाया हूं, ये ले पूरे 5,000 है। हाँ। संभाल के रख, संभाल के रख। हाँ। और अब सुन, तू सुबह की गाड़ी से ही बंबई छोड़कर चला जा, ठीक है? और तुझे चाहिए तो तू रीटा को भी साथ ले जा। भैया मैं समझ रहा था कि आप अभी मुझे रीटा के साथ जाने नहीं दोगे, लेकिन आप राजी हो गए, भाई आखिर भाई होता है ना। मैं चलूं भैया? हाँ। अरे सुन। हाँ? मुझे ये बता, फिर तूने मोहन की माँ के बारे में क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या भैया, मैं अभी इसी वक्त रेलवे स्टेशन जाऊंगा और उनको बता दूंगा कि मरने वाला मैं नहीं मोहन है और पैसे मोहन की माँ को मिलने चाहिए। चलता हूँ भैया। राजन, भैया। राजन मैंने सोच लिया है, तू नहीं जाएगा। क्या मतलब? मतलब कि तू पुलिस को बताने नहीं जाएगा कि मोहन मर गया है। मैं जाऊंगा भैया। नहीं राजन, तू नहीं जाएगा, मैंने कह दिया कि तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा भैया। मैंने कह दिया तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा भैया। मैं तुझे जान से मार दूंगा राजन। नहीं भैया, नहीं।
सज्जन को मार डालने के बाद मैंने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये सब कुछ किया ताकि रेलवे से मिलने वाला मुआवजा मैं ले सकूं। वो 5 लाख रुपए के लिए मैंने अपने भाई को मार डाला। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है। राजन और मोहन के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक दूसरे की दोस्ती और वफादारी के लिए दोनों मिट गए। और एक तरफ आप जैसे कमीने लोग होते हैं जो दौलत की लालच में इतने अंधे और इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उनके सामने खून के रिश्ते कोई अहमियत ही नहीं रखते हैं।